नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज जा रहा हूँ प्रयागराज और वहाँ का आप सभी को नज़ारा मैं दिखाऊंगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो पर बने रहे। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये टोल प्लाजा है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग गाड़ी खड़ा करके यहाँ पर फास्टैग लगवा रहे हैं ताकि यहाँ पर कुछ कम पैसा लग सकता है। और फाइनली दोस्तों, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं ये प्रयागराज। और देख सकते हैं ये जो कि अशोक सम्राट का किला, और चारों तरफ से आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और हमारा गाड़ी इसका जो कि इसी में हम आए हैं, और यहाँ नाव बहुत सारे लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और इसी अशोक सम्राट के किले यहीं से हम जाएंगे नौका विहार करके त्रिवेणि तक, और वहाँ गंगा स्नान करेंगे दोस्तों। अशोक सम्राट का किला देख सकते हैं दोस्तों, और इसका चारों तरफ से आपको मैं नज़ारा दिखाता हूँ। ये दोस्तों प्रयागराज और यमुना नदी है, आप देख रहे हैं। आप इसी से बोटिंग करके, हम इसी जगह से बोटिंग करके जाएंगे वहाँ त्रिवेणि तक, और वहाँ स्नान करेंगे। और देख सकते हैं दोस्तों, अभी यहाँ पर जिला पुलिस भी लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं, जो कि यहाँ घूमते रहते हैं एनी टाइम। और यहाँ का खूबसूरत बहुत ही नज़ारा है, देख सकते हैं। और यहाँ बहुत भीड़ होता है, 14 जनवरी को मकर संक्रांति का मेला हर साल लगता है दोस्तों, जो कि काफ़ी खूबसूरत होता है। क्या चीज़ है भैया? किला है। कौन सा किला? अशोक सम्राट का, जो हमारे आपका रुपए में चलता है, अशोक चक्र। अशोक सम्राट है ना। और बादशाह किला कहाँ पर पड़ेगा? बादशाह किला कौन कहाँ उठाते हैं? यहाँ बादशाह किला नहीं है, वहाँ है बनारस में, गंगा में तैर रहे हैं। कौन नहीं उठा रही है? ये देखो गंगा मैया, नाव वीडियो कॉल कर रहा हूँ, नाव में यात्रा चल रहा है। संगम कितना दूरी है यहाँ से? वो जहाँ झंडा दिखाया है, वो झंडा जहाँ नाव लगी है। कितना गहरा है इसमें? यहाँ तो 30-40 फीट। बाप रे, 30-40 फीट है तो बनेगा वहाँ, आप उतर के नहाएंगे यहाँ? अरे यहाँ कहाँ नहा। अच्छा ये बताइए, ये कौन सा नदी है? ये जमुना जी। जमुना जी, उसके बाद में गंगा जी आएगा, फिर गंगा जमुना सरस्वती अंतर है। चार ठो पांच ठो है, तीन धारा दिखाई देता, तीसरा दिखता है। अच्छा, वो नीचे नीचे बह रहा होगा वहीं पे लेके जा रहा है, वहीं पे त्रिवेणी में। चलो वहाँ पहुँच के लगाता हूँ। बहुत फास्ट चल रहा है ना।
दो तीन घंटा लग जाएगा क्या? नहीं, एक घंटा आना जाना। अच्छा, आधा घंटा जाना आधा घंटा आने का। अरे बस उतना ही में नहाओगी भी। पहुँच गए हैं गंगा जमुना सरस्वती। तो ये पानी का धारा जो है किधर बह रहा है? प्रयागराज इलाहाबाद जा रहे हैं अभी। हाँ उस पे आगे जाना पड़ेगा ना, वहाँ पे जहाँ उनका संगम हुआ है। यहाँ पर आप लोग घुसते हैं कि नहीं? हम लोग तैरने वाले के लिए ऊपर चलते हैं। लेकिन लग रहा है कि पानी इस दिशा में बह रहा है ना? नाव चल रही ना, इसलिए मालूम देता है। पानी को काट के इधर आ रहा है। इतना गहरा है कि किधर बह रहा है अभी पता नहीं चल रहा है। कितना गहरा होगा यहाँ? 40-45 बाकी वो वाला जैकेट देना चाहिए, लाइफ जैकेट देना चाहिए। ले लो, पहनने का होने कोई फर्क थोड़ी है। जा कुछ सब नाव में। भाई देखो ये सब चीज क्या है, भगवान ना करे, लेकिन भगवान है तो कुछ भी है, सब मुमकिन है। पैसा सोचना ही बेकार, कुछ नहीं होगा। क्या चीज का बाजा बज रहा है यहाँ पे? कहीं पे लाश जलता है वो पुल के पास, अभी जल रहा होगा। हाँ जब आती है तो जलती है, लकड़ी से जलाने का है तो किनारे, इलेक्ट्रिक द्वारा जलाना है तो रोड रोड जलता है। नहीं बाबा, हाँ बाजा किस चीज़? अच्छा ना बाबा, बाबा ये बाजा किस चीज़ का बज रहा है? वो बड़े हनुमान जी का पताखा जाता है ना। कहीं गया था बंगाल से? हाँ नहीं जलता उसको, सब करते हैं। अब यहाँ बहाने नहीं पाते। कहाँ तो मैं गया था, मेरे को याद नहीं आ रहा। बंगाल में जगह है, वहाँ जल्लाद लोग खा भी देते हैं। हाँ हाँ, नजरों के सामने देखो बस। हाँ जल्लाद लोग आग लगाएगा आदमी का, मुरुख ताली पीटेगा। हाँ मुरुख गाएगा, उसके बाद खाता है आदमी का। में आप 2-2.5 फुट 3 फीट पाएंगे। अब बरसात के दिनों में वो तब झूला पे नहाओगे। अच्छा, पेड़ के पास तो बड़े हनुमान जी से आना पड़ता है नाव से। बरसात में जाने तो बरसात में इसका सब भर जाता है, तब ये लाल पानी हो जाएगा तो ये हरा कलर नहीं रहेगा। तो चलती है कि नहीं स्टीमर? मगर यहाँ नहीं आएंगी नाव ले। अच्छा, वहीं जाएंगी। यहाँ सब खाली हो जाता है, यहाँ सब गहरा हो जाता है। स्पीड एकदम आपका जैसे गाड़ी चलती है उतना तेज ये धारा हो जाता है। हाँ। और जो पानी है वो कहाँ तक चढ़ता है? उधर वो जहाँ तक वो रोड जा रही है। अच्छा, वहाँ तक टच हो जाता है? पहले गांव में घुस जाता था, जब से 10 फीट रोड बनवा दिया ना। हाँ। तब से नहीं जाता है। तो वहाँ बीच में गड्ढा नहीं है, रेत उत है क्या? आने समय ज्यादा दिक्कत नहीं होता होगा ना आपको? हाँ हवा है ना, आने समय जल्दी आएगी। जाते समय तो बहुत दिक्कत है। पर आदत हो गया है ना। और हल्का से बीच, अभी आप पहुंचोगे तो दिखाऊंगा। हल्का से बीच में हो जाएगी। अभी ठीक है, मैं नहीं जानता हूँ। इधर मंत्री बैठे हैं तो उसी का हो जाएगा। मैं इसी में लगाऊंगा जो किया हूँ उसी में। वहाँ पे पहुँच के लगाता हूँ। भीड़ इसमें सब दिन रहता है? इतना तो सब दिन रहता है,
बाकी कुंभ मेला में बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहता है। हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ पर जाएंगे? संगम। तो इसका नाम पहले था इलाहाबाद है ना, प्रयागराज। पहले प्रयागराज था, पहले था प्रयागराज, जो मुस्लिम का राज आए थे तब रख दिया था इलाहाबाद। अच्छा अच्छा, तो अभी फिर प्रयागराज है। तो क्या कारण से रख दिया था? मुस्लिम राज थी ना इलाहाबाद, इलाहाबाद इलाहाबाद, इसीलिए था इलाहाबाद। आखिर में मंदिर भी जहाँ बने थे भगवान की, वो मंदिर के नीचे आपका भगवान को दाब के ऊपर गुम्बज बना दिया इलाहाबाद। तीन साल में एक बार लगता है कि हर साल लगता है? छः साल पे कुंभ लगता अदर कुंभ, 12 साल पे कुंभ, मकर महीना हर साल लगता है। अच्छा, महीना में भी लगता है? साल में, मकर संक्रांति जो होता है ना 14 जनवरी, उस समय लगता है। घूमने में तो आप 10-15 हजार दें तो भाग है तो ना उपाय क्या। आप किनारे लगाया सोचो कि हम बैठा ले तो बोर लेंगे। सभी सोचता है कि हम संगम नहा ले, पैसा थोड़ी तब देखेंगे। ले आओ हम 5 हजार देंगे, 5 लोग है। और जो हड़बड़ा के बैठा है तो बोले बोरे भाई खाली है, उसको हमको नहीं है। अब इस टाइम हमारी है और उस टाइम आप कहेंगे ले आओ, नहीं तो हम नहीं नहा पाएंगे। भाई उतना दूर से लोग आया है स्पेशल नहाने के लिए संगम। हाँ, भगवान से प्रार्थना करने की जो गलती सलती हुआ क्षमा चाहिए। पहले था 12 बजे 1 बजे नाव चालू हो जाती थी, अब प्रशासन रात्रि को नहीं चलने देता। 12 बजे रात हम लोग 30-40 हजार पे नाव लेके आवा जाए। हाँ, मारवाड़ी गुजराती और क्या, मार ससका रहे, लाइन लगा रहे, एसपी सीओ कहा बैठा लो। हाँ साहब, 1 घंटा सोना बरसता है, उसके बाद तो सब माटी ही माटी हो जाता है। अरे ऐसा मत करिए, केवल समझ के ले लो ना साहब, 50 हजार लगेगा। अरे ले लो 20 हजार, ले जाओ, 6 लोग हैं, 7 लोग। हाँ, चढ़ ही जाए कि ऐसे बोर्ड पर चढ़ जाए, ले जाओ। हाँ, तो इसमें रात को चलने का कारण क्या है जो बंद हो गया? ऊंचा घसूटी बूथ न, अब कोहरा पड़ गया। हाँ, तो आपको रास्ता नहीं दिखाई देगा किधर हम नाव लेके जाएं, इसलिए बंद कर देता है। तो इसमें पहले से बहुत संचलित हो गया, हम लोग को थोड़ा सा एल का जगह लेके जाइए, और दूर पहुँचे और नज़दीक जहाँ अच्छे से दिखे वहाँ ले चले, जहाँ आप बोलेंगे आप बताओ, जहाँ अच्छा, जहाँ अच्छे से दिखे और स्नान भी अच्छे से कर सके, आराम से नहाइए। भीड़ भाड़ वाला जगह में मत लेके जाइए। पंचगंगा कठौती में गंगा, हम खुश रहेंगे तो हो सकता है आपको भी खुश कर दे। देखो यही बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ कहाँ दिखे, उधर ही जाना पड़ेगा। जगह बोलो 20 रुपये, कम तपस्या और 3600। 20-20 रुपये वो तकत वाला लेता है जो उतरे चढ़ने उतरने का बनाता है, मांगने का 40-50 मांगेगा, 20-20 रुपये से आगे नहीं दी। ईमानदारी बाबा पूरा जैसे चिल्का झील में डॉट एक ही जगह निकलता है, 10 जगह नहीं, जगह वही 8-10 किलोमीटर तेरे को ले जाएगा। किस्मत तेरा सौभाग्य है, मैं भी देखा चिल्का पूरी में देखा, मैं 2 बार देखा। अरे वो नहाने गया होगा। हाँ हाँ, तो देखिए खड़े हैं जल में, देखिए जल में खड़े हैं महिलाएं। हाँ वो नहा रही हैं। हाँ, मद्रासी लोग। हाँ, लोग भी मद्रासन है। यहाँ पिंड दान हो रहा है, जिसके माता पिता नहीं रहता सोचता है नहाने आए हैं, चलो एक काज दो पंथ हो गया। पुरखा सोचते रहते हैं कोई हमारे पीढ़ी में जाएगा तो करेगा। तो यही होता है पिंड दान। हाँ, बनारस आते हैं, ये मुख है तब बनारस, बनारस में तो सिर्फ गंगा नदी है ना। हाँ, यही मिल के जाती है, ये किधर से घूमर के जाता है, ये ऐसा जाता है, ये टावर की तरफ से होते चली जाती है। अच्छा,
और इतना बीचों बीच होने के कारण भी यहाँ मान के चलिए पानी का स्तर जो है कम रहता है। हाँ यहाँ हमारी आपका शक्ति नहीं है। हाँ पूरा पैर टूट गया है। पानी कहाँ चेंज दिख रहा है? हवा बहुत अच्छी। अरे तो अरे इससे हवा, अरे टाटा बन गया बाबूलाल के है ना है चौराहा को। अरे तू ऊपर, हम टाटा बनो ना बाबूलाल देखा था। अरे उनके उनके पर भेजे हैं अब अहिने सवेरे बने हैं अब वही काम होता है ढेर रोज। सुबह आप 9-10 बजे तक देख सकते हो जब पब्लिक भीड़ लगता है तो बाबा रुक जाते हैं क्या? विश्राम ही कर लेते हैं फिर। वही तो देखना था यही कुछ खाने लगा उधर देखो आज एक दो दिनों से गायब हो जात है कलर है ले ले भैया के नहीं फोटो का धरे रहो जाओ लोग का भेंट नहीं करोगे जाइए घूमते रहे
जल पुलिस, जल पुलिस, थल पुलिस, जल पुलिस, वायु पुलिस, सब लोग तुम लोग को क्या शूटिंग कर रहे हैं इसलिए। हाँ हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, ये सब डब्बा है, ड्रोन कैमरा शूट हो रहा है ना, इसको सेट करके रखा है बांध के। चलाता भी है, स्टीमर है जो मोटर लगा है वो तो बीच में स्विमिंग, ये मोटर है देखो, ये मोटर चलाता भी है, ये बड़ा सा को अशोक सम्राट का किला उस समय का बनाया था, देखो कितना मजबूत है ना, इतना मजबूत अभी कोई बनवा नहीं पाएगा, इतना बड़ा नहीं बनवा सकते भाई, इसको तोड़ के भागना ऐसा कोई वीर पैदा नहीं हुआ। चलो अब हम लोग वापसी आ गए, अब कहाँ जाना है, कहाँ जाएंगे खंबे, चलो अभी का लंच करते हैं आराम से, एसी वाला रूम।